हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रघुनाथ। आज की वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि आप यानी कि क्लास 12th का जो है सिलेबस क्या है, आपको किस हिसाब से पूछेगा क्वेश्चन, इस वीडियो में यही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होगा कि मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये बता दूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन से जो 8 वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ये रिलेशन एंड फंक्शन से जो पूछेगा क्वेश्चन वो आपको 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे थ्री को क्वेश्चन रहेगा, 3 को जो आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, यहाँ पे कैलकुलस से जो रहेगा 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, कैलकुलस से 20 हाइएस्ट है, जो कि आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सब कुछ से आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इसमें ऑब्जेक्टिव 20 20 आ गया, और यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया आपका जो शॉर्ट टाइप का होगा वो 8 8 8 को क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा 2 डॉट होगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से जो होगा, प्रोबेबिलिटी से 6 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 3 वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा 3 ठो होगा। वॉट आर वेक्टर एंड 3 डायमेंशन जो रहेगा, 3D ज्योमेट्री 3D, तो ये 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यहाँ पे 4 वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, और ये क्या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग से जो रहेगा 3 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी 1 वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 2019 में जो पूछने वाला है जो सिलेबस, और जिस हिसाब से एग्जाम लेने वाले हैं उस हिसाब से आपको ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव, और इस टाइप से ये ऑब्जेक्टिव आएगा, इस टाइप से सब्जेक्टिव, और जिस टाइप से आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइप है। अब इसे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोबेबल यानी कि इसमें प्रोबेबल हो सकता है इतना इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा टोटल, इतना में 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लू प्रिंट मॉडल पे मॉडल क्वेश्चन जो है, ठीक है, ब्लू प्रिंट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पे ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो है वो आपको इसको ऑब्जेक्टिव में जो होगा, इसका ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो के बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, और साथ में हमारा वीडियो जो देखते हैं, और ये क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको जैसे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का जो सोल्यूशन देखेंगे तो आपको कितना अच्छा लगता है वो आप देखने के लिए कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें, और दोस्तों को शेयर करते रहें, और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।